अब हम लोग जो दूसरा पदार्थ देख रहे हैं उसका नाम है, शीर्षक है विटामिन एवं खनिज। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा विटामिन भी जो है वो हमें विकास के लिए ज़रूरी है, हमारे विकास के लिए। तो विटामिन में हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ए बी सी डी के आदि नामों से बुलाते हैं। विटामिन सी जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जल में घुलनशील हैं, इसीलिए इसका शरीर के अंदर संचय भी नहीं होता है। जो जल में घुलनशील हैं वो जल के साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जो ए डी ई के हैं, ये सभी वसा में घुलनशील हैं, इसलिए ये शरीर में संचित भी रह जाते हैं। तो विटामिन के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अभी आप जैसे विटामिन ए का मैंने बटन दबाया तो आप देखेंगे कि ये किन किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो यहाँ जो चित्र दिखाए गए हैं आप इसमें पा रहे हैं कि काजू में, आंवला में, फलसा में, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। उसी तरह से विटामिन बी वन के लिए अगर आप देखिए तो आप देखिए अनार में, काजू में, आंवला में, नींबू में, फलसा में, बादाम में विटामिन बी वन पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ देखें तो विटामिन बी टू जो है वो किस में पाया जाता है, तो लौकी में, अनार में, काजू में, आंवला में, नींबू में, अमरूद में और बादाम में हमें विटामिन बी टू प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देखें तो विटामिन बी थ्री किस में प्राप्त होता है, तो आप पाएंगे कि लौकी में, अनार में, काजू में, आंवला में, नींबू में, अमरूद में, फलसा में और कागजी बादाम में ये हमें मिलता है विटामिन बी थ्री। फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिए गए चित्रों में विटामिन सी किस में मिलता है, तो आप पाएंगे कि अनार में, आंवला में, नींबू में, अमरूद में, फलसा में और सेब में विटामिन सी है। इसी तरह से हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ जो चित्र लगे हैं इनमें से आप माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी खनिज पदार्थ में जैसे मैग्नीशियम किस में मिलता है, तो मैग्नीशियम के लिए आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रागी, राजमा, खीरा, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, अखरोट, इन सभी में हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। उसी तरह से अब हम लोग जांच करेंगे कि सोडियम किस में मिलता है, तो आप देखेंगे कि रागी, खीरा, पालक, फूलगोभी, पपीता ये हमें सोडियम तत्व प्रदान करता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पोटेशियम किससे प्राप्त होता है, तो आप फिर पाएंगे कि रागी, खीरा, पालक, फूलगोभी और पपीता ये जो स्रोत यहाँ पर चित्र में हैं ये हमें पोटेशियम प्रदान करते हैं। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन से पोषक तत्व हमें कॉपर देते हैं, तो कॉपर के लिए आप देख रहे हैं यहाँ कि रागी, राजमा, खीरा, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, अखरोट और मूंगफली, ये आठों जो चित्र यहाँ लगे हैं ये आठों जो पोषक तत्व हमें प्रदान कर रहे हैं इसमें कॉपर की कुछ मात्रा हमें प्राप्त होती है तांबे की। इसी तरह अब हम लोग एक और ज़रूरी खनिज पदार्थ जो है वो जिंक, तो वो किस में पाया जाता है देखते हैं, तो आप पाएंगे कि रागी, राजमा, खीरा, पालक, फूलगोभी, बंदा गोभी, अखरोट, मूंगफली ये आठों में भी हमें जिंक प्राप्त होता है। जिंक भी एक खनिज लवण है
और शरीर के वृद्धि के लिए मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक ये खनिज लवण बहुत ही जरूरी हैं। और विटामिन भी, विटामिन ए, B1, B2, B3, BC या फिर विटामिन के या बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी हमारे भोजन का भाग होने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें।